ओम गणपति नमाम गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करण के बारे में। करण क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे कौन कौन से करण होते हैं और कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, करण किसी भी तिथि का आधा भाग होता है। आप ज्योतिष के प्रिडिक्शन देखते हैं राशि के बेस पे। एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब हमें ज्यादा एक्यूरेट जाना पड़ता है, हम नक्षत्र में चले जाते हैं। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और फिर और आगे जाना है तो तिथि रहती है। तिथि क्या रहती है? 12 डिग्री। सूर्य और चंद्रमा का जो डिफरेंस जब 12 डिग्री का हो जाता है तो एक तिथि बनती है। और करण 6 डिग्री का होता है। सो करण से आपको किसी के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी मिलती है। आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे करण आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे बताता है, कौन कौन से करण होते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म के समय बन रहे ग्रहों के योग और पंचांग ही व्यक्ति के जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं। तो सभी लोग सिर्फ अपने चार्ट को ग्रहों की पोजिशन से देखते हैं और हम तिथि वार नक्षत्र योग और कर्म को इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे करण के बारे में। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर आप चेक करें कि आपका करण कौन सा है। जहां पे आपकी बर्थ की डिटेल दी होगी, दिन वार नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र चंद्रमा नक्षत्र, वहीं पे करण लिखा होगा। सो करण को चेक करें, उसके बाद हम बात करेंगे करण का के बेस पे पर्सनैलिटी कैसे इंडिकेट होती है। करण का चंद्रमा मास के अनुसार एक फिक्स पैटर्न है। आप जानते हैं जो सूर्य और चंद्रमा जो दोनों के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है तो उससे एक तिथि बनती है। और एक तिथि का आधा भाग यानी कि 6 डिग्री का जो पार्ट है वो करण रहता है। करण का एक फिक्स पैटर्न है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि, मान लीजिए चंद्रमा अमावस के बाद प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की तरफ चल रहा है तो पहली तिथि को जो करण रहेगा वो वस्तु घन करण रहेगा। फिर 6 डिग्री भव, फिर सेकेंड तिथि आ जाएगी क्योंकि 12 डिग्री कवर हो जाएगा, द्वितीय तिथि बालव, फिर कालव, दो करण आएंगे कि द्वितीय तिथि में आएंगे, फिर तैतिल गर वनिज वनिष्ठ, फिर इन 7 करण का जो रोटेशन सीक्वेंस चलता रहेगा, भव बालव कालव तैतिल गर वनिज विष्टि। सो जब चंद्रमास का अंत आना शुरू होगा यानी कि लास्ट के 3 करण जो रहेंगे शकुन चतुष्पाद और नाग रहेंगे। सो बेसिकली 11 करण रहते हैं, उनमें 4 करण फिक्स है, शकुन चतुष्पाद नाग और कित्सुघन। बाकी सभी करण बार बार मास में आते हैं। तो जानते हैं हर करण का क्या मतलब है, किसी भी करण में पैदा होने वाले के अनुसार उनकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। दोस्तों, बात करें किमस्तुगना करण की। किमस्तुगना अमावस के बाद पहला करण आता है जब सूर्य चंद्रमा का डिग्री 6 डिग्री का फर्क रहता है। उसके बाद फिर वो 4 करण शुरू हो जाते हैं। पहला फिक्स करण है। किमस्तुगना का प्रतीक जो है कीड़े मकोड़े रहते हैं। किमस्तुगन मीन्स वचन तोड़ने वाला। और स्वामी कौन है? वायु देवता। वायु देवता मीन्स नॉट फिक्स, हवा के रुख से बदलने वाला, स्टेबिलिटी नहीं है। आपने पढ़ा था घर करण में हाथी है वहां पे एलिमेंट, तो वहां पे फिक्स लेवल 4 करण होने के बाद भी फिक्स लेवल काफी था। और यहां पे वायु देवता है,
सो ये लोग हवा से रुख बदल लेती हैं, जैसी जरूरत हो उसके अनुसार चेंज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, कोई कस्मों वादों पे भी कोई खास इतबार नहीं करते। अगर किसी का लव अफेयर किम्स तुगनाकरण के लोग से चल रहा है तो अब ये मान के चलें कि अगर उसने कोई प्रॉमिस किया है तो हो सकता है कि उसका कोई मतलब ना हो। लकी करण है, अच्छी विद्या मिलती है, खुशी मिलती है, जीवन में ये संतुष्ट रहते हैं, शुभ काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और ये कुल की रक्षा करना चाहते हैं। परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली को इकट्ठा रख के चलते हैं, सेफ्टी करते हैं परिवार की। तो ये लोग वो लोग हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सभी कीड़े मकोड़े इकट्ठे हमला करते हैं, तो ये लोग भी शत्रु पे मिलके हमला करते हैं। अपने से कोई बड़ा भी हो तो उसको भी हराने की इनकी कैपेबिलिटी रहती है, मगर ये लोग भीड़ में चलना प्रेफर करते हैं। आपने नागकरण में देखा था कि वो छुपते रहते हैं, मगर ये लोग भीड़ में चलते रहते हैं। अधिक गर्मी और सर्दी से इनको बचना चाहिए। फ्लेक्सिबल हैं, जैसा भी सिस्टम होगा उसके अनुसार चेंज हो जाते हैं। सो अगर एम्प्लाई किसी का किम सुगन करण का है, अब देखेंगे जैसे ही बॉस चेंज होगा उसके अनुसार ये भी चेंज हो जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, लकी हैं, कोई ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और इनको जीवन में सभी कंफर्ट मिल जाते हैं। सो दोस्तों, किम सुगना करण एक फिक्स करण होने के बाद भी, हवा के रूप से बदलने वाले के बाद भी, ये लोग लकी लोग हैं। ये तो था किम सुगना करण के बारे में। दोस्तों, हमने जाना सभी करण के बारे में। आप लोगों का कोई कमेंट क्वेरी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।